आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। विभिन्न प्रकार से कर्म करने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। कई लोग मुझे कहते हैं कि दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती, कितना ही पूजा करें, कितना ही दीपक जलाएं, भक्ति करें और खूब मेहनत भी करें, कुछ नहीं हो पाता है। गुरुदेव, नज़र नकारात्मक शक्तियों को निकालने के लिए तो कई प्रकार के प्रयोग लोग जानते हैं, करते हैं। हमारे शरीर में स्थित दरिद्रता को, हमारे घर में प्रवेश की हुई दरिद्रता को, हमारे जीवन को परेशान करने वाली दरिद्रता को निकालने के लिए एक अचूक 100% काम करने वाला प्रयोग, वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में। मध्यम वर्गीय लोग इतने तनाव में आ गए हैं, गरीबों को कुछ लोग दान भी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ रोटी पानी सब्जी दे भी रहे हैं, फिर भी गरीब वर्ग भी पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। और मध्यम वर्गीय लोग तो अपनी स्थिति को ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, इस प्रकार से दुखी हैं कि आगे लॉकडाउन खुल भी जाए तो कैसे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ये घबराहट के कारण वो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने तकलीफ में आ रहे हैं कि पूछिए मत। एक कोई भी प्रयोग की क्रिया बताई जाती है तो उस क्रिया को अगर आप टोटका मान के करोगे तो वो निम्न फल छोटा फल ही देगा। इसको ईश्वर के द्वारा आपके समय को बदलाने के लिए दिया गया बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ के, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, भरपूर प्रेम के साथ करोगे तो वही क्रिया अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा। क्योंकि क्रियाएं सामने वाले के भाव और भक्ति से फल देने वाले होते हैं। कई लोग जिंदगी भर विभिन्न क्रियाओं को करके देख के बोलते हैं कि कोई क्रिया फलित नहीं हुई। इसका कारण है कि क्रिया भले कितना भी आपने सटीक किया हो, जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई टोटका करके देख लूं कि कुछ हो जाए तो ठीक है, जाने तो नहीं हो तो ठीक है। ऐसे अविश्वास से असम्मान से कोई भी क्रिया किया जाए वो क्रिया जरूर निष्फल होगी। मैं अब जो बता रहा हूँ ये अचूक क्रिया को आप निश्चित सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ करेंगे, ये लाभ देगा। क्योंकि हम तो साधु संत किसी को क्या नौकरी दें, धन दौलत दें, मेरे साधना के द्वारा, मेरे ज्ञान अर्जन के द्वारा, मैं अनंत समय से जो भी शोध किया उसके द्वारा मुझे जो पता लगा मनुष्य समाज की समृद्धि के लिए, उसको देना मेरा कर्तव्य मानता हूँ। इसीलिए ये बताता हूँ, ना कोई शेयर करवाने, ना सब्सक्राइब करवाने, ना लाइक करवाने, मुझे इन चीज़ों की कोई पड़ी नहीं है। हमारी साधना की ज्ञान के बल से जो अर्जित किया समाज समृद्ध हो। आज लॉकडाउन के पीरियड में हम देख रहे हैं कि एक दानदाता 4 रोटी सब्जी दे रहा है और उसका फोटो खींच के 25 बार फेसबुक में डालता है और मुझे ऐसे लगता है कि देने वाला तो बड़ा खुश हो रहा है, ये 4 रोटी दिया उसको घड़ी घड़ी फोटो में डाल डाल के, लेकिन लेने वाला व्यक्ति फोटो में खड़ते समय कितना दुखी होता होगा कि आज मेरी हालत ऐसे लेने की हो गई, ये चिंता करके वो कितना दुखी होता होगा। ये सोच के मेरा मन दुखी होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी के सामने हाथ लंबा नहीं करना पड़े। उसके लिए जहाँ तक भी मुझे कुछ मेहनत करना पड़े, वो मेहनत से, वो ज्ञान से, वो शक्ति से, वो आशीर्वाद से जितना हो सके भारत को समृद्ध करना, ये मेरा धर्म है। क्योंकि बिना पैसा भी संसार चलेगा नहीं। धर्म, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चतुर्विध पुरुषार्थ के साथ ये संसार चलने वाली है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ एक साधक के मुख से, जिन्होंने ऐसे विंध्याचल के पहाड़ियों में, काशी में, बनारस के उस मशान घाटों में, हिमालय की वादियों में 20-20 साल तक साधना की हो, ऐसे साधुओं के मुख से किसी भी क्रिया को सुनोगे, समझोगे तो वो क्रिया इतनी अचूक फल देगी। क्योंकि उस क्रिया में कितना बल है वो तो है ही, लेकिन साधु के मुख से, साधक के मुख से निकली हुई क्रियाएं होने से इसमें अनंत गुना शक्ति होती है। विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित ही लाभ होके ही रहेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर आज जो विज्ञान को मानते हैं, लेकिन जो
धर्म को नहीं मानते ऐसे नास्तिक लोगों के लिए भी यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि कोई आपको नफरत करने वाला आपके पास आता है तो तुरंत आपके 30,000 वाइट ब्लड सेल्स तुरंत कम पड़ जाते हैं और शरीर बिल्कुल शक्तिहीन होने लगता है और हम कमजोरी महसूस करते हैं, जिसी को नज़र लग गया ऐसे भारत के लोग कहते हैं। इसके लिए कई प्रकार के दिव्य प्राकृतिक वस्तुओं बताई गई है जिसके प्रयोग से तुरंत हम वो खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं और पुनः हम उन शक्तियों को अर्जित करते हैं और उन शक्तियों से हम अपने खोई हुई शक्ति को प्राप्त करके पुनः अपने समृद्धि की मार्ग पर चलते हैं। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारे शरीर में, घर में, परिवार में स्थित दरिद्रता को भी भगाएगी। नज़र, टोटका, टोना हो, कोई दुष्ट शक्ति शरीर में प्रवेश किया हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा से हम हरदम डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, बुरी भावनाएं, बुरे विचार आते हों, सबके लिए रामबाण की तरह कारगर करने वाला ये दिव्य औषधि है। हर घर में हरदम रहता है, जिसका महत्व को कोई समझता नहीं है। प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए, भोजन में मिला के खाने के लिए ये वस्तु प्रकृति ने दिया, जो है काली मिर्च जिसको कहते हैं। हम लोग, हमारे पूर्वज भोजन में इसको इसीलिए मिला के खाते थे कि इसका रस अंदर जाने के बाद नकारात्मक ऊर्जा और किसी प्रकार की दरिद्रता उस घर में नहीं रहती। लेकिन आजकल काली मिर्च का उपयोग ना के बराबर कम हो गया, कोई मसालों में मिलाया जाता है तो भी निम्न मात्रा में। लेकिन इस काली मिर्च का मैं एक ऐसा उपयोग छोटा सा बताने जा रहा हूँ, जिस उपयोग को करोगे तो अचूक रूप से आपको जो सोचा वो काम मिलेगा या जो सोचा उस स्थिति में पहुँचने की ताकत मिलेगी और आपको अपनी जगह पर पहुँचने की पूरी शक्ति ये छोटा सा काली मिर्च ईश्वर का वरदान के रूप में आपको देगा और इससे लाभ होगा। और कोई छोटे बच्चे, अगर वो बच्चे हरदम रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और उनको हरदम किसी न किसी प्रकार की सर्दी बुखार की परेशानी सताती रहती है, तो उनके ऊपर भी ये प्रयोग बहुत अच्छे से सफलता, एक ही रात में बदलाव आता है, बच्चे अच्छे से खाने लगते हैं, बीमारी निकल जाती है। एक बार करने मात्र से ही 100% सफलता मिलती है। तो ये प्रयोग बच्चे, जवान, बूढ़े, मोटे, छोटे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकते हैं, बड़ा सरल उपाय है। अब करना क्या है ये देखना है, करना है हमको कि हम आराम से कोई रविवार के दिन या कोई अमावस्या के दिन, कोई अमावस्या हो या रविवार हो, उस दिन हम 9 काली मिर्च गिन के ले लें और इस 9 काली मिर्च को सुबह में अपने कुलदेवी के मंदिर में या इष्ट देवता के स्थान पर रख दें और शाम तक उसको वहीं रहने दें और सूर्यास्त के बाद जब 6-7 बज गई हो, उस दिन जरूर रविवार हो या अमावस्या हो, इस दिन में आप इन 9 काली मिर्चों को सुबह अपने कुलदेवी के स्थान पर रखेंगे या भगवान के कोई स्थान पर रखेंगे। रखने के बाद इन 9 काली मिर्चों को लेके आप घर के बाहर आ जाएंगे और घर के बाहर आके आप पूर्व दिशा में खड़े होंगे। आप पूर्व दिशा में खड़े होके सबसे पहले, अगर बच्चे को करना हो तो बच्चे के सिर पर 9 बार सीधा घुमाएँ और 9 बार उल्टा घुमाएँ, और आप पर करना हो तो आप भी घर के बाहर खड़े होके खुद ही आप अपने सिर पर 9 बार पहले ऐसे सीधा घुमाएं, फिर 9 बार उल्टा घुमा लें। इस प्रकार से 9-9 बार आप घुमाने के बाद, बच्चे का करना हो तो उनके माता या पिता या उस बच्चे को बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति ही करें, जिससे ये क्रिया तुरंत सफल हो। अन्य व्यक्तियों से कराएंगे तो उनकी भावनाओं से ये क्रिया कभी सफल नहीं होगी। इसलिए बच्चे को आराम से आप बढ़िया से अपने हाथ से करें, बच्चे के लिए, खुद के लिए। अगर व्यापार में परेशानी है, जो भी आपको समस्या है, दरिद्रता एकदम दुखी कर रही है, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, आपका मेहनत सफल नहीं हो रहा है, तो जब आप कुलदेवी के मंदिर में एक छोटी सी बाटी में, कटोरी में ये रख देंगे 9 काली मिर्च और प्रार्थना करेंगे कि माँ आपकी कृपा हो, उसके बाद इस काली मिर्च को लेके घर के बाहर आ गए और पूर्व दिशा में खड़े हो गए
और खड़े होने के बाद आप अच्छे से 9 बार अपने हाथ से इस काली मिर्च को अपने हाँ मुट्ठी को बांध करके 9 बार ऐसे घुमाएं, 9 बार ऐसे घुमाएं। ऐसे घुमाने के बाद इस काली मिर्च को हाथ में लेके प्रार्थना करें कि मेरी समस्त दरिद्रता इस काली मिर्च से निकल जाए, नज़र निकल जाए, बुरी बला निकल जाए, शरीर में रही हुई नकारात्मक शक्तियाँ निकल जाएँ, ग्रहों के दोष निकल जाएँ। ऐसे 3 बार अच्छे से प्रार्थना करने के बाद एक काली मिर्च को हाथ में लें, जैसे आपकी सब दरिद्रता दूर हो रही है, सब संकट इससे निकल रहा है, ऐसे भावना करते हुए 3 ओम बोलते बोलते पूर्व दिशा में पहला काली मिर्च फेंकें, फिर कोने में अग्नि दिशा में एक काली मिर्च 3 ओम बोलते बोलते फेंकें, तीसरा दक्षिण दिशा में 3 ओम बोलते बोलते फेंकें, चौथा नैऋत्य दिशा में 3 ओम बोलते बोलते काली मिर्च फेंकें। और इसको फेंकते समय ध्यान रखें कि काली मिर्च में आपकी सब बला संकट निकल चुकी है और वो बाहर जा रही है, भावना करते करते फिर पश्चिम दिशा में एक काली मिर्च 3 ओम बोलते फेंकें, फिर वायु दिशा में 3 ओम बोलते फेंकें, फिर कुबेर दिशा में उत्तर दिशा में फेंकें, फिर ईशान दिशा में फेंकें, फिर ऊपर एक फेंकें, बस इतना ही। ये 9 दिशा में यानी 8 दिशा में 4 दिशा में 4 कोने में और ऊपर एक 8 दिशा में फेंक के ऊपर एक फेंक के हाथ पैर धो के, अगर बच्चे का कर रहे हो तो उसका भी हाथ पैर धुलवा के फिर आप घर के अंदर आ जाएं। ये छोटी सी क्रिया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि किसी भी व्यक्ति को आप जितना सम्मान देते हो, किसी भी क्रिया को आप जितना सम्मान देते हो, वहाँ से बदले में इतना ही सम्मान और सत्कार आपको मिलने लगता है। इसको बड़े सम्मान के साथ करें, दरिद्रता दूर हो, देश समृद्ध हो और सर्व समाज में आनंद का लहर बना रहें, यही प्रार्थना करते हुए इस क्रिया को मैं आप समाज के लिए प्रदान करता हूँ। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही मंगल कामना प्रार्थना।